बहनों के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। सीएम को बड़ी तादाद में महिलाओं ने राखियां बांधी तो मोहन यादव ने भी लाडली बहनों के लिए राखी के मौके पर उपहार भेंट किए। साथ ही प्रदेश की सभी महिलाओं और बेटियों की रक्षा का वादा किया। सीएम को राखी बांधने के बाद खास तौर से महिलाओं में बेहद उत्साह नजर आया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में, जहां मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव जब पहुंचे तो लाडली बहनों ने एक बार फिर अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा जताते हुए उन्हें राखी बांधी। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुखिया हुआ करते थे तब भी मध्य प्रदेश की तमाम माताएं बहनें जो हैं वो एक भाई स्वरूप मुख्यमंत्री को राखी बांधने पहुंचती थी, और अब यही परंपरा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आगे बढ़ती नजर आई जब महिलाओं ने नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी राखियां बांधी और उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री ने भी इन्हें खाली हाथ नहीं भेजा और साथ ही उनकी सुरक्षा का भरोसा भी दिया। बात खबर मध्य प्रदेश से है। नरसिंहपुर में भव्य श्रावण उत्सव का आयोजन किया गया है और इस दौरान लाडली बहनों के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। सीएम को बड़ी तादाद में महिलाओं ने राखियां बांधी तो मोहन यादव ने भी लाडली बहनों के लिए राखी के मौके पर उपहार भेंट किए। साथ ही प्रदेश की सभी महिलाओं और बेटियों की रक्षा का वादा किया। सीएम को राखी बांधने के बाद खास तौर से महिलाओं में बेहद उत्साह नजर आया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में, जहां मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव जब पहुंचे तो लाडली बहनों ने एक बार फिर अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा जताते हुए उन्हें राखी बांधी। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुखिया हुआ करते थे तब भी मध्य प्रदेश की तमाम माताएं बहनें जो हैं वो एक भाई स्वरूप मुख्यमंत्री को राखी बांधने पहुंचती थी, और अब यही परंपरा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आगे बढ़ती नजर आई जब महिलाओं ने नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी राखियां बांधी और उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री ने भी इन्हें खाली हाथ नहीं भेजा और साथ ही उनकी सुरक्षा का भरोसा भी दिया।